मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? और आज का ब्लॉग अभी स्टार्ट करते हैं। अभी सुबह के बज चुके हैं 6:30। बाहर देखिए कितनी धूप चढ़ गई है और मौसम ऐसा हो रहा है ना, एकदम से गर्मी हो रही है और बारिश हो रही है, फिर ठीक हो रहा है। और अभी मई चल रहा है, मई में इस बार मतलब एसी चलाने की नौबत नहीं आई, नहीं तो पिछली बार अप्रैल में ही स्टार्ट हो गया था। इस बार मुझे लग रहा है पोल्यूशन की वजह से थोड़ा सा जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा ठीक हुआ है लॉकडाउन की वजह से, और धीरे धीरे मुझे लग रहा है गर्मी हो जाएगी। बट अभी फ़िलहाल थोड़ी हुई है, मतलब गर्मी होती है फिर रात को ठंडा हो जाता है, रात को ठंड लगती है, सुबह थोड़ी सी ठंड लगती है, तो ऐसा मौसम चल रहा है। और अभी जस्ट करने हैं मॉर्निंग के काम, आज की रूटीन स्टार्ट करते हैं। किचन में जाना, मैंने किचन में बनाने लगी हूँ भिंडी की सब्ज़ी, तो इस सीज़न की सबसे पहली भिंडी शायद, हाँ इससे पहले खाई नहीं, इससे पहले हमने नहीं खाई, सबसे पहले भिंडी खाई। अभी बना रहे हैं, आ गई थी मार्केट में लेकिन हम लोगों ने ली नहीं, क्योंकि क्या कहते हैं स्टार्टिंग में जो सीज़न जब आ जाए ना, जैसे अभी जैसे उगने स्टार्ट हो गई है तो भी ठीक है, नहीं तो फिर जो स्टार्टिंग वाली होती है वो फिर पता नहीं दवाइयाँ दवाइयाँ लगा कर बनाई होती है, इसलिए डर भी लगता है स्टार्टिंग वाली। सीज़न पे आती आई हुई चीज़ें, सीज़न वाली जो सब्जियाँ वो खानी चाहिए, तो वही इसलिए अभी भिंडी बनाने लगती हूँ। देखती हूँ किस वे से बनाती हूँ, जैसे दिल करेगा फिर वैसे मैं बनाती हूँ। तो चलिए बनाते हैं। रितवान को ना थोड़ी सी फ्राई वाली अच्छी लगती है, फ्राई करके ना थोड़ी सी वैसी वाली अच्छी लगती है। अभी बेड की सेटिंग करनी है, ये देखिए पहले मैं भिंडी चढ़ाऊँ किचन में, फिर देन क्लीनिंग का काम करते हैं, उतनी देर भिंडी बनती रहेगी। तो चलिए किचन में चलते हैं सीधा।
शाम का टाइम है, मैंने मतलब सुबह ही शूट किया था, उसके बाद मैं भूल गई। रितवान के चक्कर में ऐसा रहता है, इसको मैंने सुबह पढ़ाया, पढ़ाई नहीं, पढ़ता ही नहीं है ये, पता नहीं कब पढ़ेगा। रो रहा आगे निकल गया, वो ज़ारा के घर चला गया था सुबह, और अभी फिर से बिठाया। उसके बाद सो गया था ये, मैं भी सो गई थी, नींद आ गई थी, लंच किया। फिर उसके बाद अभी जस्ट फिर से मैंने, चलो थोड़ी देर बैठता है, शाम का टाइम है तो बैठे। फिर और आगे दादी दादी, जो जिसको पढ़ने की याद आए, फिर दिया दादी याद आ जाती है, फिर दादी दादी ऐसे रोता है। मैंने इसको इतना बोला कि पढ़ पढ़, मतलब पेंसिल पकड़ता ही नहीं, पता नहीं क्या करेगा ये, लिखेगा कि नहीं, कब लिखेगा ये। 3 घंटे पूरा रोता रहा। मैंने सोचा क्या इसको मारना। मैंने इसको रूम में बंद करने वाला डर डाला। फिर रोता रहा जोर जोर से, दादी दादी, फिर दादी ने खोल दिया, फिर चला गया बाहर। अब बाहर ही घूम रहा तब से, तो ये नहीं सुधरने वाला यहाँ पे, क्योंकि एक एक बंदा ही सुधारे तो फिर नहीं सुधरता, सबको सुधारना पड़ होता है घर पे, वो सभी इन्वॉल्व नहीं होते यहाँ पर। देखते कब सुधरेगा ये, कहते हैं अपने आप सुधर जाएगा, अपने आप पढ़ लेगा, पता नहीं कब पढ़ेगा। मैं अभी इसको लेके आती हूँ, मेरे को मतलब इतना इतना फिर खींच के इसको लेके आना पड़ता बाहर, जब जाता है आता ही नहीं है। देखती हूँ मैं बाहर जाके क्या कर रहा है, मिट्टी के साथ खेल रहा होगा, रेत के साथ पूरा लगा होता है, मिट्टी विट्टी हुआ होता है। अभी आके इसको इसके क्लोथ इसको नहलाना है, फिर क्लोथ चेंज करने, तो वो बार इसका नहलाना पड़ता है, पूरा मिट्टी मिट्टी होया होता है। तो चलिए लेने जाती हूँ मैं इसको। रितवान क्या कर रहे हो हैं? जारा क्या कर रहे हो आप? पत्ते इकट्ठे करो वहां पे। आप भी करो ना, पूरे लीव्स वहां रखो, स्टीम भी उसकी रखो साथ पे रखो। ये बुड्ढो बाबा बन गए। क्या बने आप? देखो जारा कितना काम कर रही है। तो इस टाइम अभी रात का टाइम है, डिनर हमारा हो चुका है। अभी मैं सारी किचन की क्लीनिंग कर लूँगी और बर्तन साफ़ कर रही हूँ यहाँ पर। तो ये मतलब ये काम रूटीन हमारी चलती रहती है, रात को सोने से पहले पूरी किचन क्लीन करनी होती है, बर्तन साफ़ करने होते हैं, तो ये सब काम है जो कि होते रहते हैं। तो अभी जस्ट इंडियंस जितने हैं, इंडियन क्या, बाहर भी खाना है तो करना ही पड़ेगा। तो अभी जस्ट ये सब करके फिर मैं सोने की तैयारी होती है, फिर रितवान को देखना होता है, फिर देन सोना होता है। तो ये सारी रूटीन होती है। तो अभी जस्ट फ़िलहाल ये कंप्लीट कर लिया जाए। तो ये देखिए, ये है सरप्राइज़। तो सुबह सुबह ही ये सरप्राइज़ आ गया था, मतलब हस्बैंड लेके आए, और आप सभी के लिए भी और मेरे लिए भी ये सरप्राइज़ है। तो न्यू कार लेके आए हैं, और देखिए आपको कैसी लगी, करेटा की है ये, और इतवार काफ़ी ज़्यादा खुश है कार को, न्यू कार में बैठ के, क्योंकि तो इसके ऊपर सनरूफ विंडो है, और जो कि रितवान को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है यहाँ पर। और ये मतलब देख रहा है ऊपर, ऐसे ऊपर चढ़ने का मन इसको बहुत हो रहा है, और ओवरऑल सब कुछ देख रहा है ये, सभी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी। न्यू चीज़ होती है फिर सभी को बहुत ही अच्छा लगता है, देखने का मन करता है। तो इस टाइम हम लोगों ने ना सुबह मॉर्निंग का टाइम है, एकदम सुबह सुबह का, तो थोड़ी सी ठंड है, क्योंकि ये थोड़े दिन पहले की वीडियो है जो कि मैं आज डाल रही हूँ। तो यहाँ पर सुबह सुबह मॉर्निंग में बहुत ठंड थी थोड़ी सी, तो फिर हमने ये वाले ग्लोव्स डाले हुए हैं, और ये रितवान देख रहा है बाहर से अंदर को। न्यू कार अच्छी है, ऊपर ऊपर देखो, ऊपर बंद हो गया।
रितवान पता चल गया इधरों खोल ही लगे रहने अश्वे नक्षत्राणि रुखाणं सर्वलोक महानं श्री लक्ष्मी विहीन चढ़ा दे कर देना उधर कर ना आए ना चले गए पर कटे ना काके रे तुमने ना पता क्यों कट रहे हां ओए तू चुप्पी ना कर अरे बीच में इसको रितवान अभी देखना कार चलेगी ना कर देगा अपनी गाड़ी अब आ तो अभी हम यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, यहाँ पे पंडित जी भी है, तो ये रितवान को मैं बुला रही हूँ, यहाँ आ नहीं रहा, एक जगह टिक नहीं रहा, तो अभी हम सभी साथ होके यहाँ पर पूजा स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले भगवान जी के नाम पर की जाती है कि आप ही है जो भी है, सब कुछ गॉड है, सबसे पहले उनके नाम की कोई भी न्यू चीज़ लेते हैं तो भगवान के नाम से थोड़ी सी पूजा करते हैं, और फिर उसको जैसे कि ये वाहन है, मतलब व्हीकल है, तो इसकी सबसे पहले पूजा करते हैं। तो यहाँ पे हनुमान जी की हम पूजा कर रहे हैं, और हनुमान जी की जो फ़ोटो है वो अंदर फ्रंट वाली सीट पे रखी है, तो वो सबसे पहले वो इस वाहन को वो चलाएंगे, मतलब एक साइड में ये मेरे हस्बैंड बैठे थे और फिर इन्होंने स्टार्ट किया था। और जैसे कि ये ऑटोमेटिक सिस्टम वाली है, क्रेटा का न्यू वर्जन आपने देखा होगा, मैंने तो इतना देखा नहीं था, मुझे इतना पता नहीं था। तो ये अभी पूजा करके हम जाएंगे मंदिर में जाएंगे थोड़ी देर में, तो अभी जस्ट नींबू जो है इसके ऊपर से टायर से ऐसे आगे जाएंगे। हो गया जाकर भोग लगाओ आप भी। इतवान भोग लगाओ ने ऊपर क्या कर रहे हो अब जय भगवान जी करो नहीं लगा फीशे लगाओ मेरे भी लगा दो बिंदी के ऊपर लगा दो इतने बड़ा नहीं मेरे को छोटू सा आपने मेरे बहुत कुछ बड़ा लगा दिया ये बिंदी के पास लगाओ यहाँ लगाओ मेरा नीचे लगाओ मेरा नीचे इतना बड़ा जी चलो उधर आ जाओ उधर पूजा करें आ जा उधर आ जाओ जय माता की जय माता की माता जी पहले वाले यहां से ऐसे उल्टा आप रॉन्ग चले गए यहां से जाना था इधर जय भगवान जी करो पहले जी नीचे जय करो नीचे बैठ के जय इधर से आ राउंड राउंड करे राउंड 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 जल्दी आ जाओ हम जा रहे हैं बाय जब राइट बोल रहा है लाइट जलाओ बंद है अच्छा चल जल जल गया हाँ जी चलो जय करो जय जल्दी से यहाँ जय करो यहाँ पे हाँ पैसे चढ़ा दो जय yeah.
चल जय माता की। देखो लायन लायन। तो अभी इस टाइम हमने कर ली है पूजा और अभी थोड़ा सा मतलब ऐसे न्यू कार होती है तो थोड़ा दिल करता है कि थोड़ा बाहर घूम गए, थोड़ा सा देख के अच्छा लगता है। जैसे कोई नई चीज़ आती है तो थोड़ा घूमने का भी दिल करता है। तो लेकिन अभी जैसे चल रहा है थोड़ा सा लॉकडाउन बंद बंद चल रहा है, तो लॉकडाउन थोड़ा सा खुल भी गया है तो हम थोड़ी दूरी पर जा रहे हैं, ज़्यादा बाहर नहीं जा रहे हैं। बस ये हमारे गांव का एरिया है, यहीं तक हम जा रहे हैं, थोड़ा सा राउंड लगा के आ रहे हैं। रितवान को भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो अभी बस घर आ गए हैं, हम घर आ रहे हैं और आज का ब्लॉग यही एंड कर रही हूँ मैं। होप आप सभी को अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और क्योंकि थोड़ा मुझे ना टाइम लग रहा ब्लॉग बनाते हुए, थोड़े से मेरी जो हेल्थ इशू चल रहे हैं तो थोड़ा सा बीमार चल रही हूँ, इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है। और रितवान के साथ भी टाइम थोड़ा स्पेंड करना होता है, इसलिए भी तो इसका भी होमवर्क आता है तो करवाना पड़ता है। और बैठता नहीं है ये, लिखता नहीं है, तो खुद पूरा एफर्ट डालना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है मुझे एडिट करने में। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।